हेलो, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक फेशियल, और वो भी सिर्फ 250 रुपये वाली एक फेशियल किट। तो ये है RCM का फेशियल किट। ये थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है क्योंकि मेरे एक दोस्त ने इसे ऑलरेडी यूज़ किया है और उसके बाद मुझे रिव्यू दिया, ये बहुत अच्छा है। तो मैं अच्छा है या नहीं, कितने स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है, ये आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेप हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 6, क्योंकि एक है क्लिंजर। एक क्लिंजर के लिए यहाँ पर एक टिशू दिया हुआ था, तो मेरे दोस्त ने वो टिशू यूज़ कर लिया है और मैं यहाँ पर नॉर्मल फेस वॉश करके बैठी हूँ। तो मेरे स्किन में थोड़ा बहुत पिंपल और दाग धब्बा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 2 से। तो स्टेप 2 है स्क्रब। ये छोटू सा एक कंटेनर है और इसके अंदर इतने सारा स्क्रब है कि आप 4 बार तो कर ही सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि होम फेशियल के लिए ये एकदम ठीक ठाक है। अगर आप इसे एक्सपेक्ट करेंगे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा तो नहीं आएगा, लेकिन आपका स्किन बहुत हेल्दी रहेगा, ये बात एकदम मैं गारंटी से बता सकती हूँ। तो एक बार यूज़ किया है ऑलरेडी मेरी फ्रेंड ने और मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने अब तक जितने भी स्क्रब यूज़ किया है वो सबको छोड़ के मैं इसी को 10/10 देने वाली हूँ, क्योंकि बाज़ार के जितने भी स्क्रब है उसे यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत फेस में ईचिंग होता है, थोड़ा बहुत होता ही होता है, लेकिन ये वाला जो स्क्रब है ना, ये बहुत नरम सा स्क्रब है और इसे यूज़ करने के बाद मेरे स्किन में कोई भी ईचिंग वाला फील नहीं हुआ। और बाज़ार के जितने भी स्क्रब है, थोड़ा बहुत आपको पता है कि यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बहुत माइल्ड था। तो मेरी तरफ से ये 10/10 है। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर मिक्स कर रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा बहुत थिक है, तो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि मैं लिक्विड करके यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं पानी यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद यूज़ कर रही हूँ। मेरे इस टाइम पर एक्सटेंशन था तो थोड़ा बहुत यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा था। अगर आप लोगों के पास एक्सटेंशन नहीं है, नेल एक्सटेंशन आप नहीं करवाते, तो अच्छे से मसाज कीजिए। मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि आँखों में घुस ना जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा डर डर के मसाज कर रही थी। और ये है रिज़ल्ट आप लोगों के सामने वॉश करने के बाद। मैं सच में बता रही हूँ, बाय हार्ट आप ज़रूर इसे यूज़ करें, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप मेरे नेक और फेस के दोनों ग्लो से अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है। मेरे नेक में थोड़ा बहुत टैनिंग है, अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, और फेस देखिए पूरा का पूरा क्लियर है। तो मेरी तरफ से ये 10/10 है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो है एक मसाज जेल। और ये जो जेल है ये बहुत जल्द आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हो सके तो थोड़ा बहुत वाटर मिक्स करके इसे अच्छे से मसाज करना है। अगर नहीं हो सकता है, आपका अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, अगर ऑयली है तो थोड़ा बहुत कम यूज़ करना है। अगर आपको मसाजिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा बहुत वाटर मिक्स करके यूज़ करेंगे तो अच्छे से मसाज हो जाएगा। और इसी के बाद आता है मसाज क्रीम, उसे भी मसाज करना है। और मसाज जेल जो है उसे वाइप ऑफ नहीं करना है, पोंछना नहीं है, उसके ऊपर ही मसाज जो क्रीम है उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत चेक कर लिया है कि मसाज क्रीम कैसे लगाना है, वही देखने के बाद मैं यहाँ पर अच्छे से मसाज करने वाली हूँ। जैसे मैं दिखाती हूँ बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को मसाज करना है अपर डायरेक्शन में। तो चलिए मसाज देखते रहिए। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला जो पोर्शन है मैं थोड़ा बहुत स्पीड में दिया, मैं स्लो नहीं किया, लेकिन पूरा दिखाया आप लोगों को कैसे मसाज करना है। और ये मसाज करने के बाद थोड़ा बहुत स्किन अच्छा लग रहा था, एक गुड फील हो रहा था। जब खुद यूज़ करेंगे तो आपको भी वो वाला फीलिंग आएगा। और ये है लास्ट वाला स्टेप, वो है मास्क।
हर फेशियल में एक ही होता है मास्क। ये मास्क मुझे थोड़ा बहुत थिक लगा, ये अगर थोड़ा बहुत लिक्विड होता तो शायद अच्छा होता, बाकी एकदम ठीक ठाक है। तो चलिए झटपट मैं यूज़ करती हूँ मास्क। बीच में यूज़ करते करते मुझे बहुत ठीक लगा प्रोडक्ट, तो थोड़ा बहुत मैं पानी का हेल्प ले लिया। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, मेरे हाथ में गौर से अगर देखेंगे तो दिखेगा आपको थोड़ा बहुत पानी का बूंदे, मैं उसके हेल्प से अच्छे से यूज़ कर रही थी। तो आप अगर चाहे तो पानी मिक्स कर सकते हैं। और मैंने कोई भी प्रोडक्ट अपने नेक पे अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ कि हाथ बहुत दुख रहा था। तो अब बारी आती है वेट करने की, वो भी 15 से 20 मिनट तक। अच्छे से सूख जाने के बाद आपको दिखाती हूँ वो रिज़ल्ट। तो ये रहा आप लोगों के सामने एक रिज़ल्ट, माइल्ड सा रिज़ल्ट है। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार यूज़ करेंगे, महीने में 4 बार यूज़ करेंगे, तो आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लो करेगा, आपका स्किन बहुत हेल्दी रहेगा। और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा हेल्दी सा डाइट भी लेना है। और अगर हो सके कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए इसके बाद। लास्ट वाला जो था वो सनस्क्रीन था, मैं नाइट पे कर रही थी तो मुझे सनस्क्रीन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए चलते हैं आज के लिए, और मिलते हैं नई कोई वीडियो में नई कोई प्रोडक्ट लेके, जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।